फड़ाते कदम तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे मन पे आ जाए हम, तेरी करते हम पे फड़ाते कदम। सबको जय यीशु, जय यीशु क्रिस्त में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि आज ईश्वर हम लोगों को पास्का पर्व के बाद फिर एक बार नया जीवन दिया है और आज हम लोग दिव्य कृपा का पर्व मनाते हैं और हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइन मर्सी का पर्व मनाते हैं, जहाँ पर ईश्वर की करुणा, ईश्वर की कृपा आज के दूसरे पास्का का दूसरा रविवार में जब हम लोग रहते हैं तो याद करते हैं कि किस तरह से ईश्वर अपना दया और कृपा हम लोगों पर बरसाया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग अपने अपने मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें, अपने निवेदनों को ईश्वर के समक्ष रखें ताकि ईश्वर हम लोगों का प्रार्थनाओं को सोच सके, समझ सके और हमारे लिए प्रार्थना कर सके और हमारा जो कुछ भी मतलब है उन पर उसकी आशीष एवं कृपा मिले और सफल मिल सके। इसके लिए हम लोग पिता से निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आइए, मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं ये ऑनलाइन मिसा बलिदान में, ताकि हम लोग ईश्वर के साथ हमेशा जुड़कर प्रार्थना कर सकेंगे। आप नवजात शिशु की तरह आध्यात्मिक दूध के लिए उत्सुक बनिए कि उसके उपयोग से हिष्टपुष्ट होकर मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। आलेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी कोई मेरे पीछे हाथ उठाकर बोलेंगे, पिता की जय हो, पिता की जय हो, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की जय जयकार हो, पवित्र आत्मा की जय जयकार हो। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग पहले पाठ में जहां पर देखते हैं प्रेरित चरित में जब यीशु ख्रिस्त का मरण काल हो जाता है और पुनरुत्थान होते हैं तो लोग जान जाते हैं कि यीशु ही एक महाराजा और एक महानायक हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोगों को सब कुछ मिलने वाला है और सब कुछ हम लोग को मिलता है। तब हम लोग देखते हैं कि पिछले जमाने के कलीसिया के लोग जो जिसके पास भी जितना भी धन दौलत रहता था वे लोग एक दूसरे के साथ बंटवारे करते थे, गरीबों को देते थे, लोगों को देते थे, जिसके पास नहीं होता था उनको देते थे और वे लोग अच्छा से अपना जीवन यापन करते थे। और हम लोग दूसरा पाठ में देखते हैं संत योहन का पहला पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 1-6 में देखते हैं कि प्रभु येसु, मतलब संत पेत्रुस हम लोगों को ये कहते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त इतना करुणा और कृपा हम लोगों पर किया है कि वो अपना दया हमारे पापों को क्षमा करने के लिए दिया और वो क्रूस का बोझ उठाकर अपना जीवन हमारे लिए दिया। और आज का सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जिस तरह से संत थॉमस एक अविश्वासी शिष्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह चाहता था कि यीशु ख्रिस्त को टच करे, उसको छूवे, उसको छूकर जाने कि प्रभु यीशु ख्रिस्त सचमुच में जी उठा है। और हम लोग देखते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त को जब तक वह अपना उंगली उनके हाथ में नहीं डाल देता है तब तक वह विश्वास नहीं करता है और जब वह अपना उंगली यीशु ख्रिस्त के हाथ में डाल देता है तो अब देखते हैं कि वह किस तरह से प्रसन्न होता है, आनंद होता है, हर्ष होता है, खुशी होती है
और वह बोलता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त मुर्दों में से जी उठा है, हमारे लिए जी उठा है। माय लॉर्ड माय गॉड, मेरा ईश्वर मेरा प्रभु, तू ही मेरा मुक्तिदाता, मैं तुमको अनुसरण करता हूँ, तेरी स्मरण करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा गान करता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से संत थॉमस प्रभु की कृपा, प्रभु की आनंद, प्रभु की स्तुति महिमा गान करते हुए, वह जय जयकार करते हुए पूरे देश में फैल जाते हैं। आज हम लोग पास्का पर्व का दूसरा रविवार में प्रवेश करते हैं। आज दिव्य करुणा और दिव्य कृपा की रविवार के नाम पर जाना जाता है। प्रभु ईश्वर हम लोगों को आज इस रविवार में खासकर उनके कृपा और मुक्ति का भंडार देकर एक दूसरे को बांटने के लिए बुलाए हैं, ताकि उनका सुसमाचार को हम लोगों को दे सकें और लोग जान सकें कि प्रभु ईश्वर सचमुच में जी उठा है ख्रीस्त में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम लोग प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपना महाराजा, अपना ख्रीस्त और अपना ईश्वर नहीं माने हैं, तो आज हम लोग प्रभु ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि प्रभु ईश्वर हम लोगों का पाप को क्षमा कर एक नया जीवन दे सके, ताकि हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हम लोगों का पाप को क्षमा करे और एक नया जीवन दे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सो शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर दया करो। ख्रीस्त हे क्षमा करो सारे गुनाहों को, ख्रीस्त हे क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। भाई और बहनों, आइए हम लोग तालियां बजाकर यीशु की महिमा गान गाएं और खुशी मनाएं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं।
स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को हे सर्व शक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है हे सर्व शक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है तेरा गुणगान करते हैं स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को जग का पाप तो हर लेता है हम पर दया तो कर दे जग का पाप तो हर लेता है हम पर दया तो कर दे पिता की दाए विराजमान है हमारी विनती सुन ले स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को तू ही पावन तू ही प्रभु है तू ही पवित्र आत्मा के संग तू ही पावन तू ही प्रभु है तू ही पवित्र आत्मा के संग पिता की महिमा सर्वपरि है तेरी महिमा होती है स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को हम प्रार्थना करें हे स्वशक्तिमान दयामय ईश्वर तू पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास दीप अधिक प्रज्वलित करता है हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझे कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं किस आत्मा से हमारा नवजन और किस रक्त से हमारा त्राण हुआ है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानायुग जीते और राज्य करते हैं आमीन पहला पाठ प्रेरित चरित से अध्याय 4 पसंक 32 से 35 तक विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी उनमें कोई कंगाल नहीं था क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांट जाता था यह प्रभु की वाणी है ईश्वर को धन्यवाद
प्रेम का सागर तू, 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 इस वचन में हरदम सुनता, इस वचन में हरदम सुनता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। दूसरा पाठ संत योहान का पहला पत्र से, अध्याय 5 पद संख्या 1-6 तक। जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है वो ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञा बारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजयी जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। ईसा मसीह जल और रक्त से आए, ना केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्षी देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा सार अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार, प्रभु क्रिस्त की जय। संत योहान का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 31 तक, अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 31 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्यों यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्यों फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देख ही विश्वास करते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह है प्रभु का दिव्य सुसमाचार, क्रिस्त की जय। मेरे प्रिय माता पिताओं, भाई और बहनों, दोस्तों, आज हम लोग पास्का का दूसरा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं, और आप लोग के जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि पास्का का दूसरा रविवार को हम लोग
दिव्य कृपा का रविवार कहा कहते हैं या दिव्य करुणा का रविवार भी कहते हैं इंग्लिश में, द डिवाइन मर्सी संडे, द डिवाइन मर्सी संडे कहा जाता है। और ये भक्ति के अगुवाई संत फोस्टिना के जरिए किया गया है। तो आज हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है। हम लोग बहुत प्रसन्न है, आनंदित है, खुश है, और प्रभु आज हम लोग को शांति दे रहे हैं। इसलिए आइए प्रभु को, प्रभु की शांति पाने के लिए ये गाना गाएंगे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ कभी ना तुम डरना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ कभी ना तुम डरना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ कभी ना तुम डरना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ कभी ना तुम डरना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ कभी ना तुम डरना, प्रेम भाव से प्रेम करना, प्रेम भाव से प्रेम करना, शांति भाव से शांति दे देना, शांति भाव से शांति दे देना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ कभी ना तुम डरना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ कभी ना तुम डरना, मैंने तुमसे प्यार किया है तुम सबको प्यार करना, मैंने तुमसे प्यार किया है तुम सबों को प्यार करना, मैंने तुम में शांति दी है तुम सबों से शांति फैलाना, मैंने तुम से शांति दी है तुम सबों से शांति फैलाना, बैरी हो या मित्र हो अपना, बैरी हो या मित्र हो अपना, प्यार से सबको शांति दे देना, प्यार से सबको शांति दे देना, तुम्हें शांति मिले, 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 तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों, आज का सुसमाचार बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण सुसमाचार है, क्योंकि हम आपसे पिछला संडे से यानी कि पास्कर रविवार से यही कहते हुए आ रहे हैं कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान एक कहानी नहीं है, एक पुराण नहीं है, ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है, ये एक घटना है जो मुक्ति इतिहास में हुआ है। और अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं, ये सवाल पूछूंगा कि मुक्ति इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ घटना कौन है, कौन सी है, तो
हम लोग का उत्तर, हम लोग का जवाब यही है कि प्रभु का पुनरुत्थान, प्रभु का मृतक में से जी उठना, प्रभु का पुनर्जीवित होना, प्रभु का पुनरुत्थान मुक्ति इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान, सब सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम घटना है। इसलिए मेरे प्रिय माता पिताओं, भाई और बहनों, दोस्तों, ये एक सच्चाई है। इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज ए फैक्ट, दिस इज ए रियलिटी। ये कोई कहानी नहीं है, दिस इज नॉट ए मिथ, दिस इज नॉट ए स्टोरी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, और अगर प्रभु का पुनरुत्थान नहीं होता, प्रभु मृतकों में से सचमुच जी नहीं उठते, आज आप और मैं अब तक शैतान के बंधन में रहते, अंधेरा में डूब के रहते, पाप में डूब के रहते, पाप के जाल जंजाल में डूब के रहते, और सबसे बड़ी बात मृत्यु के जाल जंजाल में डूब के रहते, मृत्यु में हम लोग डूब के रहते, या हम लोग का सिर्फ मरण ही मरण, मृत्यु ही मृत्यु होता, पुनरुत्थान का या अनंत जीवन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मृत्यु को हरा कर, मृत्यु को जीत कर, मरण को हरा कर, मौत को हरा कर, मौत को जीत कर, शैतान को जीत कर, पाप को जीत कर और अंधकार को जीत कर पुनर्जीवित हुए हैं, पुनरुत्थान हुए हैं। और इसलिए उनकी कृपा, इनकी महिमा, इनकी जो अनुग्रह अनुकंपा हम लोग के ऊपर बरस रहती है, और हम लोग आज अनंत जीवन का एक अधिकारी बने हैं। अनंत जीवन हम लोग के लिए एक हक बन गया है, एक अधिकार बन गया, एक राइट बन गया। दिस बिकेम आवर राइट टू इटर्नल लाइफ बिकॉज द लॉर्ड हैज ट्रूली रीजन फ्रॉम द डेड। क्योंकि ये हम लोग के लिए एक अधिकार बन गया, क्योंकि प्रभु यीशु ने सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। और आज के और प्रभु यीशु के मृतकों में से जी उठने का पुनरुत्थान का भी हम लोग के पास बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारे गवाह, बहुत सारे सबूत है, बहुत सारे सबूत, बहुत सारे गवाह हैं, और स्वयं प्रभु यीशु का चमत्कार काम भी है, और प्रभु यीशु का दर्शन देना भी है। पहला गवाह है हम लोग का खाली कब्र, इंग्लिश में बोलते हैं द एम्प्टी टोम, द एम्प्टी टोम, और द खाली कब्र से यही साबित होता है, यही हम लोग का, हम लोग के लिए सच्चाई मिल जाता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह स्वयं ईश्वर है और ईश्वर के बेटे हैं। इसलिए उसको मृतकों में से जी उठना ही है, उसके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, मृत्यु का बंधन का कोई अधिकार नहीं, कोई शक्ति नहीं जो उसको बांध के रोक सके, और उसको तोड़ के, उसको नष्ट करके, उसको टूटा कर, उसको चूर मार करके प्रभु यीशु स्वयं जी उठे हैं। ये भी खाली कब्र से हम लोग का साबित होता है, और हम लोग को एक मजबूत गवाह मिल जाती है, मजबूत सबूत मिल जाती है। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, वी हैव द फर्म एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रूफ फ्रॉम द एम्प्टी टोम दैट जीसस हैज truly risen from the dead. दूसरा, प्रभु का दर्शन, प्रभु मृतकों में से जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों को दर्शन दिए हैं, बहुत सारे अपने शिष्यों लोगों को, अपने चेले लोगों को, अपने अनुयायी लोगों को, और स्त्रियों को, धार्मिक स्त्रियों को, मेरी मैग्दलीन को, संत मेरी मैग्दलीन को, सबको दर्शन दिए हैं। और इतना ही नहीं, मृतकों में से जी उठने के बाद उन्होंने बहुत सारे चमत्कार काम भी किए हैं, चमत्कार भी किए हैं। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, जब वो हुए ये दुनिया में थे, उनके क्रूस भोग, क्रूस मरण, दुख भोगने से पहले बहुत सारे चमत्कार काम किए हैं,
लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ, वो आखिरी नहीं हुआ, वो एक शुरुआत था। अभी फिर जीवित होने के बाद और भी चमत्कार कर रहे हैं, वो भी एक हम लोग के लिए गवाह है। और तीसरा गवाह है कि उनका उठने के मृतक में से जी उठने के बाद शिष्यों के साथ वो खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात आज के सुसमाचार में साबित होता है कि प्रभु स्वयं जी उठे हैं। हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संत थॉमस अविश्वासी थॉमस, डाउटिंग थॉमस कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये डाउटिंग थॉमस नहीं है, अविश्वासी थॉमस नहीं है, बल्कि थॉमस के जो बातचीत से, थॉमस के सबूत से यही साबित हो जाता है कि प्रभु स्वयं ईश्वर है, वो स्वयं मुक्तिदाता है, जगत का उद्धार करता है, ईश मेमना है, जगत का उद्धार करता है, जो मृतकों में से जी उठे हैं। इंग्लिश में कहते हैं द टेंजिबल रियलिटी। ये एक ऐसा सच्चाई है जिसको कोई भी खंडन नहीं कर सकता, कोई भी उसको झूठ गवाही नहीं दे सकता या झूठ नहीं बोल सकता कि झूठा साबित नहीं कर सकता है। और इसलिए आज के सुसमाचार में संत थॉमस के जरिए हम लोग को यही बतलाया जाता है कि प्रभु स्वयं जीवित होकर उठे हैं, जी उठे हैं, क्योंकि ये एक गवाह है, ये एक विटनेस है, ये एक ट्रूथ है, ये एक सबूत है, ये एक हम लोग की गवाह है, सबूत है कि प्रभु स्वयं जी उठे। क्योंकि इसलिए स्वयं प्रभु ईश्वर को थॉमस ने क्या कहा, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त ही पूरे विश्व का, इस सारे ब्रह्मांड का और स्वर्ग का, भूतल का यानी कि पाताल का, धरती का, वो मुक्ति दाता है, वो शक्ति दाता है, वो सृष्टि करता है, वो जीवन दाता है, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबका राजा है, प्रभु है, यही साबित होता है। और इसलिए संत थॉमस को बहुत सारे लोग डाउटिंग थॉमस, अविश्वासी नहीं बोल कहते हैं, लेकिन वो अविश्वासी नहीं, बल्कि उनके गवाह से साबित ये हो गया कि प्रभु स्वयं जी उठे हैं और वही मुक्ति दाता है, और उसके नाम से ही हम लोग को मुक्ति, शांति, आनंद मिलती है, कृपा मिलती है। आज हम लोग कृपा का रविवार मनाते हैं, दिव्य कृपा का रविवार मनाते हैं। इसलिए हम लोगों से क्या चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु के पुनरुत्थान को हम लोग को जीना ही चाहिए। सिर्फ जीना ही नहीं, दूसरों के साथ बांटना भी चाहिए, दूसरों के साथ देना भी चाहिए, दूसरों को स्वयं पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम लोग को बांटना चाहिए, देना चाहिए, उसके बारे में गवाही देना चाहिए, गवाही बनना चाहिए, और हम लोग को वो जीवन जीना भी चाहिए, मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों। और अगर ऐसे करेंगे तब हम लोग का ये दिव्य कृपा रविवार मनाने का बहुत ही हम लोग लाभदायक होगा, फायदा होगा, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। और ईश्वर का कृपा हम लोग के ऊपर बरसता रहेगा और हमेशा हम लोग उसी कृपा के साथ आगे बढ़ेंगे और स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के समान बनेंगे और दूसरों को प्यार के संदेश, मुक्ति के संदेश, जीवन के संदेश सुनाएंगे, जीवन देंगे, और जो लोग भी भटक चुके हैं उन लोग को प्रभु के ओर ले लाएंगे। प्रभु हम सबको इसके लिए आशीष और कृपा से भर दें। आज हम कृपा की संडे यानी कि डिवाइन मर्सी संडे मना रहे हैं, तो आइए हम लोग आज प्रभु से यही अनुयान, यही विनती करेंगे कि प्रभु हम सबको अपनी कृपा और आशीष से भर दे, ताकि हम भी दूसरों को उसी कृपा को दे सके, उसी दया को बांट सके, प्यार को बांट सके, और स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त को भी बांट सके और गवाह बन सके और अच्छी अनुयायी बन सके। प्रभु हम सबको आशीष और कृपा से भर दे, आमीन। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उनके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे,
उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगे, क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, और वहां से जिंदों मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा और शरीर के पुनर्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आज ईश्वर के इकलौते पुत्र ने स्वर्ग में प्रवेश किया और हमारे लिए वहीं पहुंचने का द्वार खोल दिया है। इन्हीं का सर्वशक्तिमान पिता आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम लोग उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन लोग ईश्वर के नाम पर अपनी स्तुति महिमा गाते हैं और ईश्वर को अपना सचमुच में पिता ईश्वर मानते हैं। प्रभु उन पर आपकी आशीष एवं कृपा बरसा ताकि वे लोग हमेशा जाने और माने कि आप ही एक सच्चा ईश्वर है। इसके लिए पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रीस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबों की मुक्ति एवं विजय में बदल दिया, उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करें। इसके लिए पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखें। इसके लिए पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों पर चमके, खासकर आज के कृपा और करुणा के पर्व में जब हम लोग ईश्वर को अपना मुक्तिदाता मानते हैं। प्रभु ईश्वर हम लोगों को हमेशा आनंद और शांति से उनका हृदय और हमारा हृदय भर दे। इसके लिए पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्तीय धर्म के नाते दुख सहते हैं और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करें। इसके लिए पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस वेदी से ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु की प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। इसके लिए पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम लोग अपने अपने मतलबों को, अपने अपने प्रार्थनाओं को ईश्वर के समक्ष रखें ताकि प्रभु ईश्वर हमारे मतलबों और प्रार्थनाओं को हमेशा अच्छी वरदान दे। आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर अपने अपने प्रार्थनाओं को ईश्वर के समक्ष रखें। हे प्रभु हमें पास्का के कृपादानों से भर दे, जैसे कि आज हम लोग पास्का का दूसरा रविवार में प्रवेश करते हैं और आपका करुणा मैं पर्व को मनाते हैं, कृपा मैं पर्व को मनाते हैं। यह स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित ख्रीस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हम तेरे हो गए तू तामुले, हे प्रभु हम तेरे हो गए तू तामुले। जिंदगी हर गदी बस तेरा नाम ले, जिंदगी हर घड़ी बस तेरा नाम ले। हे प्रभु हम तेरे हो गए तू तामुले, हे प्रभु हम तेरे हो गए तू तामुले।
भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु अपनी प्रजा के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर। इन्होंने तुझ पर विश्वास कर बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है, इन्हें ऐसा वर दे ये अनंत सुख प्राप्त कर ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परम पिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यह है हमारा विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष एंटोनी पोला के लिए और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की भी सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। आज हम लोग विशेष रूप से अपने देश के उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना से, ये महामारी से पीड़ित हैं। प्रभु ईश्वर, उन पर आपकी दया, आपकी करुणा बरसा ताकि वे लोग जल्द से जल्द चंगे हो सके और इस संसार में आपकी आशीष एवं क्षमा कर, क्योंकि इस संसार में पूरे लोग आपके गलत कामों के विरुद्ध चलते हैं, आपके विरुद्ध चलते हैं। प्रभु ईश्वर, हर एक तरह के बीमारियों से पीड़ित हैं, उन पर आपकी क्षमा और कृपा बरसा ताकि वे लोग जल्द से जल्द चंगे हो सके और इस महामारी को रोकथाम के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर, आपकी आशीष दीजिए ताकि इस महामारी में रोकथाम हो सके और लोग एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रह सके। हे प्रभु, अपने उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम सब भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र येसु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम लोग ईश्वर की स्तुति आराधना गाएं एक साथ। इन्हीं प्रभु येसु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे स्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ, तुझे समादार तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें और उनकी करुणा और कृपा के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हर आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की भी प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा युगांतर तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पाप पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानायुग जीता और राज्य करता है, आमेन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी, परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, दो संसार के पाप और लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप और लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप और लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त मेरे लिए हमेशा आनंद जीवन काल तक बनी रहे, आमीन। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। दिल का दुलारा जा, दिल में बसने आ जा, दिल का दुलारा जा, दिल में बसने आ जा, दिल में बसने आ जा। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। सबको जय यीशु ख्रिस्त में। मेरे प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम लोगों का चैनल संगमम प्लस टीवी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को और अपने दो यारों को शेयर कीजिए, ताकि आप लोग जितना भी प्रोग्राम आती है इस चैनल द्वारा आप लोग देख सकते हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश और आराधना, एडोरेशन, सब तरह के प्रोग्राम आते हैं, और जहाँ तक कि रिट्रीट भी आती है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग अच्छी तरह से हमारे प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पिछले सप्ताह जिस तरह से आप लोग ने हमारे पैरिस बेलीगुडम में आप लोग जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग किए और काफ़ी और भारी संख्या में आप लोग आए और पर्व में भाग लिए, ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही आनंद और हर्ष का दिन था। और मुझे खुशी होती है कि आप लोग ऐसा ही आते रहिए, और हम लोगों का हिंदी मिशन बलीगुडम मिशन में हम लोग जिस तरह से हिंदी मिशन का प्रोग्राम हमेशा हर एक रविवार को मिसा बलिदान करते हैं, तो आप लोग जरूर आइए और भाग लीजिए, क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही बड़ा कर्तव्य है कि आप लोगों को एक अच्छा सा धार्मिक स्पिरिचुअल स्रोत दे सकें, ताकि आप लोग ईश्वर के
प्रेरणा और ईश्वर के दिए हुए वचनों के अनुसार चल सके। तो आप लोग से अनुग्रह करता हूँ कि आप लोग और ऐसा ही भीड़ लगाकर आइए ताकि हम लोगों का हिंदी मिशन आगे बढ़ सके। और जितने भाई भी भाई बहन लोग अगर आप लोग अपना नाम देना चाहते हैं, नामांकन करना चाहते हैं हिंदी मिशन में, तो आप लोग दे सकते हैं। आप लोग को आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आप लोग ज़रूर आइए और हमारे हिंदी मिशन में आप लोग भाग लीजिए, नामांकन कीजिए। और आप लोग जो कोई भी भाई बहन लोग आप लोग निवेदन प्रार्थना देना चाहते हैं ऑनलाइन मिशा में, चाहे ऐसे हम लोग संग ऐसे बलिगुड़म मिस बलिदान में, तो आप लोग ज़रूर अपना नाम दीजिए ताकि हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकेंगे। और एक बार आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप ही लोग के द्वारा ही हमारा मिशन अच्छा से चल रहा है। आप लोग आइए और ईश्वर का आशीर्वाद पाइए। धन्यवाद। यीशु ने थॉमस से कहा, अपना हाथ यहाँ रखो, कीलों के निशान देखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। अल्लेलुया। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास का संस्कार ग्रहण किया है, इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बना रहे, यह कृपा दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर बनी रहे। आमेन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति में जीवन बिताए। अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया। सबों को जय यीशु और आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद। देख रही थी सारी दुनिया, सदियों से राख तेरी, नए जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। देख रही थी सारी दुनिया, सदियों से राख तेरी, नए जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा, मेरे